तो आप जब भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट देखेंगे उसमें आपको एक ब्रांड नेम हमेशा कंसिस्टेंट दिखाई देगा सालों साल, टोयोटा। टोयोटा की कार्स लाइक कोरोला, कैमरी, हाइलक्स, रेव 4 ये वर्ल्ड की हमेशा से ही बेस्ट सेलिंग कार्स रही है। और यहाँ पे सिर्फ बेस्ट सेलिंग कार्स की ही बात नहीं है, अगर आप कभी जाके लिस्ट देखते हैं कि कौन सी ऐसी कार्स हैं जो वर्ल्ड में 10 लाख किलोमीटर या 1 मिलियन माइल से भी ज्यादा चलाई गई हो, तो उस लिस्ट में भी आपको टोयोटा जरूर दिखाई देगी, जहाँ पे किसी न किसी वर्ल्ड के कोने में लोगों ने जो है टोयोटा के किसी ना किसी कार को मस्त रगड़ के चलाया है। इसी के साथ साथ आज की डेट पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही बात करते हैं तो आप देखेंगे कि टोयोटा के पोर्टफोलियो में टोटल 8 कार्स हैं, जिसमें से कुछ कार्स जो हैं वो बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन हैं जब हम बात करते हैं उसके रीसेल वैल्यू की। आप एक फॉर्च्यूनर को देखिए और साथ ही साथ आप फॉर्च्यूनर के डायरेक्ट कंपटीटर्स लाइक एंडेवर, ग्लॉस्टर जैसी कार्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10-10 साल पुरानी कार्स भी जो है टोयोटा की वो आराम से 16-25 लाख के बीच में बिक रही है। वही अगर आप इसके डायरेक्ट कंपटीटर्स को देखें तो वहां पे उनके रीसेल वैल्यू में आपको एक शार्प ड्रॉप जरूर दिखाई देगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबली भी ऐसा ही है। टोयोटा की रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत रॉक सॉलिड मानी जाती है। और इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है, टोयोटा कुछ ऐसा जादू करता है जिससे उनकी रीसेल वैल्यू कभी ड्रॉप ही नहीं होती, तो आज इस वीडियो में जो है हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या खुद हैं, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो से काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी की जाए जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो सालों साल मार्केट में एक अलग अपना नीश कार्व आउट कर ले। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो आप सभी ने जो है कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि टोयोटा ने जो है एक से एक जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, चाहे आप टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करें, काइजन की बात करें, 3S, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो टोयोटा ने ही इजाद किए थे। और आज की डेट में कंपनीज जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करती है। इन सारे टॉपिक्स पे तो अलग से ही वीडियोस बनाए जा सकते हैं तो उस पे हम नहीं जाते हैं, पर एक चीज आप समझ गए होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनके ऑप्टिमाइजेशन का जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा है टोयोटा के ओवरऑल सक्सेस में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो अब मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला आता है प्रेसिजन इंजीनियरिंग। तो जहां तक बात है प्रेसिजन इंजीनियरिंग की, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेसिजन एंड इंजीनियरिंग यानी कि बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही वेल कंट्रोल्ड, ऑप्टिमाइज्ड इंजीनियरिंग की जाती है, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट की बट ऑल्सो ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम की भी। और यहाँ पे टोयोटा ने जो है इस चीज को बहुत ही भली भांति मास्टर किया है। इस पूरे सिस्टम को टोयोटा कहती है कंकरेंट इंजीनियरिंग। और ऐसा नहीं है कि यूएसए बेस्ड कंपनीज ने कभी इस चीज को नहीं इंटीग्रेट किया है, उन्होंने भी कंकरेंट इंजीनियरिंग को अपनाया है। लेकिन जहां तक बात आती है टोयोटा की तो यहाँ पे एक कोर डिफरेंस लाई करता है। यूएस की बहुत सारी टॉप कार कंपनीज ने जो है कंकरेंट इंजीनियरिंग को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्लाई किया है। उनके हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है उन्होंने कंकरेंट इंजीनियरिंग को ऐसे इंटीग्रेट किया है कि आप बिल्कुल प्रोसेस से हिलडुल नहीं सकते। टोयोटा ने भी ये किया है, लेकिन टोयोटा ने काफी सारे एरियाज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, डिजाइन में कुछ चीजें अनस्ट्रक्चर्ड छोड़ दी है, स्पेशली जहां पर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है। ये उन्होंने इसलिए किया है ताकि एक फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज रहे और इससे जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप होके आता है जहां पे आपको इनफ स्कोप रहता है उसको फाइन ट्यून करने का। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो प्रेसिजन इंजीनियरिंग अटेंशन टू डिटेल को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये जो दूसरा पॉइंट है ना इसको एक्चुअल में द सेकंड टोयोटा पैराडॉक्स भी कहते हैं। फर्स्ट टोयोटा पैराडॉक्स क्या है? फर्स्ट टोयोटा पैराडॉक्स मोस्टली उनके मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क्स को कहा जाता है, लेकिन जो सेकंड पैराडॉक्स है ना ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और इस पूरे पैराडॉक्स में जो मेन चीज आती है वो है डिलेड डिसीजन मेकिंग। आपने कई बार सुना होगा कि टोयोटा यार हर चीज लेके तो आती है लेकिन बहुत डिले करती है, बहुत लेट है, मतलब कंपटीशन तो भाई ये कब का दे रहा है, टोयोटा की कार्स में आज भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल सनरूफ इन टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये ऐसा नहीं है कि टोयोटा खुद ही लेजी है या करना नहीं चाहती, इट्स बिकॉज दैट इज हाउ दे फंक्शन। डिलेड डिसीजन मेकिंग उनके लिए हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में होता क्या है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को जब डेवलप करते हैं तो दे मेक श्योर दैट वहां पे उनके पास एनफ टाइम हो, तो वो एंड मोमेंट तक किसी भी डिसीजन को नहीं लेंगे, उसको डिले करते रहेंगे। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट उनके पास
enough information gather हो जाए, enough data आ जाए, एक insightful decision लेने में जो है उनको मदद मिले। इसके अलावा ये उनके core ideology that is continuous improvement और kaizen जिसको Japanese में कहते हैं, जो कि अपने आप में ये एक process है, उसके साथ भी जो ये align करता है। तो वो end तक कोई decision नहीं लेंगे जब तक वो बिल्कुल उनके पास perfection ना आ जाए, in the sense कि क्या वाकई में ये हमारे product में, हमारे consumers को या हमारे overall as an organization में कोई value add करेगा। और जब तक वो इस बात को लेके कंफर्म नहीं हो जाते, जब तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट या कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे वो 100% श्योर नहीं हो जाते, वो उस चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो ये जो डिलेड डिसीजन मेकिंग है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, टोयोटा के कार्स को जो है एक्चुअल में बेटर कार्स बनाती रही है। और हमेशा से आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे टोयोटा हमेशा विनर रही है कंपेयर टू एनी ऑफ इट्स कंपेटिटर। तो लास्ट पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि टोयोटा अपने डिलेड डिसीजन मेकिंग से अपने प्रोडक्ट को तो परफेक्ट कर लेती है, लेकिन उसके बाद आता है ये थर्ड पॉइंट, ये भी अपने आप में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज डिफर्ड चॉइसेस। टोयोटा मानती है कि भाई जितने कम चॉइसेस होना उतना बढ़िया है, और वो हर चॉइस के पीछे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम पे फोकस करती है कि अगर उनके पास कोई एक प्रॉब्लम है, क्या वो वाकई में वर्थ सॉल्विंग है, या उस चीज को वाकई में उनको फोकस करना चाहिए या नहीं। इससे जो है ना ही वो सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पे बट अपने टीम लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो है प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हैं। उनको जब तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल जाती उस प्रॉब्लम की, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनफैक्ट अपने एग्जिस्टिंग लाइनअप में छेड़छाड़ भी नहीं करते, कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करते। और जब उनको 100% अपने चॉइस पे बिलीव होता है कि हाँ ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये चीज नाउ इट्स द करेक्ट टाइम टू गिव इन अ टोयोटा प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर कि वो मार्केट में जरूरी है या नहीं, लेकिन जब टोयोटा को लगता है कि उनके प्रोडक्ट के लिए सही समय है, वो डेफिनेटली उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही है, और ये सारे के सारे जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे जगहों पे रिसर्च किया गया है कि ये पूरे सिस्टम को फॉलो करने से ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमेशा बेहतर रहती है, बट प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द टीम्स भी जो है वो बहुत बेहतर रही है। एंड दिस इज वन रीजन व्हाई टोयोटा की प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो हमेशा से ही टॉप पे रहती है। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट पे, दैट इज द राइट माइंडसेट। अब देखो माइंडसेट की बात ना आप हर जगह सुनते होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ग्रोथ में या एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपने सुना होगा कि माइंडसेट माइंडसेट ना हर चीज में जो है माइंडसेट को डाला जाता है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि माइंडसेट जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कितना जरूरी होता है और उसका इफेक्ट एंड प्रोडक्ट पे कैसे पड़ता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसको पूरा समराइज भी कर दूंगा, तो सारे पॉइंट जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार एक इंटरव्यू में टोयोटा के डायरेक्टर ने खुद ये बात कही थी कि हमारे लिए बेस्ट कार का मतलब वो नहीं कि जब वो लॉन्च हो उसके 10 दिनों में वो कुछ लाख यूनिट्स की बुकिंग हो जाए या एक साल के अंदर इतने सारे यूनिट बिक जाए, उनके लिए एक्चुअल में उनकी बेस्ट कार वो होती है जो सुप्रीम होती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ओवरऑल फिट एंड फिनिश, ओवरऑल इंजीनियरिंग, हर चीज में उनके लिए उनके अपने सेट पैरामीटर्स पे वो कार जब तक बेस्ट नहीं होती है और सस्टेनेबल में, मतलब ऐसा नहीं कि आज वो कार लॉन्च हुए 3 साल बाद लोग उसको भूल गए। फॉर्च्यूनर को देख लीजिए, फॉर्च्यूनर जब से लॉन्च हुई है आज तक वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट की हुई है। इनोवा को देख लीजिए, उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। प्राडो, लैंड क्रूजर, किसी भी कार को देखिए, ये सिर्फ एक नहीं हर एक कार में है टोयोटा के। और ये चीज जो है वो फॉलो करते हैं कि भाई देखो हमारा माइंडसेट सिंपल है, हम नहीं चाहते कि हमारी कार एकदम से ही ब्लॉकबस्टर हो जाए, वो एस्पिरेशन जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सस्टेन्ड बेस्ट क्वालिटी कार बनाना जो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अपने हर एक पैरामीटर्स पे जो खरी उतरे वही उनके लिए बेस्ट कार होती है। और ये जो माइंडसेट है ना ये हर एक एम्प्लॉई में उनके देखने को मिलेगा, स्पेशली उनके प्रोडक्ट टीम में, मार्केटिंग टीम में। इसलिए आपने देखा होगा कि टोयोटा के जो एडवर्टीजमेंट्स है ना वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन वो उसके हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। साथ ही साथ जब भी आप किसी टोयोटा के डीलरशिप पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि टोयोटा के डीलरशिप काइंड ऑफ सिंपल है, बहुत ज्यादा स्वैंकी नहीं है, लेकिन उनके जो कोर इथोस है वो हर जगह बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट किए गए हैं, दैट इज क्वालिटी, रिलायबिलिटी। और यही चीज जो है टोयोटा को अपने आप में वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड्स बनाती है। ये इतनी ज्यादा रिलायबल है कि अक्सर ये चीज जोक किया जाता है कि अगर कोई एपोकेलिप्स आएगा तो कॉकरोचेस और टोयोटा की कार अपने आप जो है वहां पे टिकी रहेगी। और ये चीज जो है टोयोटा को बनाती है वर्ल्ड की वन ऑफ दी बेस्ट कार। और अब आप हर एक पॉइंट को जाके देख, सबसे पहले वो प्रिसीजन पे फॉलो करते हैं, दूसरा वो क्वालिटी पे फॉलो करते हैं, तीसरा वो अनवांटेड ट्रेंड्स के साथ नहीं जाते जब तक उनको खुद अपने प्रोडक्ट में भरोसा ना हो और एनफ इंफॉर्मेशन ना हो कि भाई ये चीज एक्चुअल में मार्केट में जरूरी है। उसके अलावा जो है उसमें कोई भी चीज हो जो मार्केट में चल रही हो
उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट दैट पर्टिकुलर थिंग जब आए तो बेस्ट तरीके से आए। एंड लास्टली करेक्ट माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट जो आपके हर एक डे वन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में झलके और एंड ऑफ द डे जो है वो कस्टमर्स तक भी हो जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार कंपनी कुछ भी सोचे मार्केट में तो यार ऐसा ही चलता है, काफी हद तक सच है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों में जब अपने पूरे प्रोसेस को ऐसा ऑप्टिमाइज कर दिया है जो थ्रू आउट द वैल्यू चेन कंसिस्टेंट हो, एंड रिजल्ट भी जो है आपको कंज्यूमर्स के हाथों में वही देखने को मिलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे फॉर्च्यूनर का टोरा कुछ और बना हो या लोग कुछ भी कहते हो, बट एंड ऑफ द डे एवरी कस्टमर इज अ वेरी हैप्पी कस्टमर, एंड देयर रिलायबिलिटी आफ्टर सेल्स इन सारी चीजों से जो है एक्चुअल में इफेक्ट होती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई टोयोटा हैज वन ऑफ द बेस्ट रीसेल वैल्यूज, बेस्ट रिलायबिलिटी इन द एंटायर ऑटोमोटिव मार्केट, नॉट जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द ग्लोब। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके क्या ओपिनियन है टोयोटा के कार्स को लेकर, प्रोज कॉन्स जो भी है आप मुझे नीचे बता सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि टोयोटा भी परफेक्ट कार कंपनीज हैं, उनके भी कार्स में जो है कमियां रहती है, बट ये ओवरऑल एक कंपनी लेवल पे चीजें हैं जो आपको मुझे लगा जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे एक कंपनी जो है इतने सालों से इतनी बेहतरीन रिलायबल कार्स बनाती है और उसके पीछे क्या कुछ मेन पॉइंट्स। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार।